अरे वाह, WAP-4E का इंजन लगा हुआ है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। 31 मार्च को न्यू वंदे भारत का इनॉग्रल रन होने वाला है। लोकल पैसेंजर गाड़ी जिसे WDP-4D का वंदे भारत का जब भी इनॉग्रल रन होता है ना, जिस दिन भी होता है उस दिन टिकट नहीं मिलता। समोसे 15 के 2 तो ये अजमेर का बस स्टैंड, अजमेर डिपो, इधर से बस आती है जाती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, भीलवाड़ा से अजमेर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ वो मैं आगे चल के बताऊंगा। फाइनली किस्मत अच्छी है कि लाइक हमें ऑटो मिल गया। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली 31 मार्च को न्यू वंदे भारत का इनॉग्रल रन होने वाला है, जो कि अजमेर से दिल्ली के लिए होने वाला है। तो उसके पासिस के लिए मैं जा रहा हूँ अजमेर। इनॉग्रल पासिस चाहिए मुझे न्यू वंदे भारत के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ अजमेर। और आपको भी इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताएंगे कैसे मिलेंगे पासेज। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रोड और पहुंच रहे हैं रेलवे स्टेशन। ये रही हमारी टिकट और ये रहे हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सबसे अच्छी बात है कि यहीं पर टिकट मिलने लग गई। अब यहाँ पे टिकट ले ली, अब पहुंचूंगा मैं प्लेटफॉर्म पे। पहले ऐसा होता था, गाड़ी खड़ी, अगर मैं यूँ चला गया, टीटी ने पकड़ लिया तो मेरे से फालतू में पैसे वसूल लेगा, कहेगा भाई तू तो गाड़ी से आ सकता है ना, इसलिए इधर लगा दिया ताकि इधर से टिकट लेके जाओ। टिकट ले लिए, टिकट का किराया है 60 रुपये। 60 रुपये में हम भीलवाड़ा से अजमेर पहुँच रहे हैं। हम ट्रैवल कर रहे हैं इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस में, जो गाड़ी का नंबर है 14802, जो कि इंदौर से सुबह 4:30 बजे चलती है और जोधपुर 7:40 पर पहुँचती है। इसका जो ओवरऑल रूट होता है वो 700-750 किलोमीटर का होता है। भीलवाड़ा ये गाड़ी आती है 11:30 बजे और भीलवाड़ा से ये छूटती है 11:35 पे। और इस साइड में खड़ी है एक लोकल गाड़ी, लोकल पैसेंजर गाड़ी जिसे WDP-4D का लोकोमोटिव लगा है, डीजल लोकोमोटिव। ये है मदार जंक्शन, जो कि मदार जंक्शन से चलती है बड़ी सादरी के लिए। मदार जंक्शन उदयपुर चित्तौड़ बड़ी सादरी, ऐसी गाड़ी है ये, लोकल गाड़ी है। इस गाड़ी में आपको 6 जनरल के डिब्बे मिलते हैं, बाकी 3rd AC और स्लीपर के डिब्बे मिलते हैं। मतलब जनरल के डिब्बे 6 मिलते हैं इसमें, 3 आगे लगे होते हैं और 3 पीछे लगे होते हैं। तो हम अजमेर क्यों जा रहे हैं ये तो हमने बता दिया, बट मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये कि लाइक वंदे भारत का जब भी इनॉग्रल रन होता है ना, जिस दिन भी होता है उस दिन टिकट नहीं मिलती है। उस दिन के लिए अगर आपको ट्रैवल करना है, उस दिन ट्रैवल करना है, तो उसके लिए पासेस आपको अरेंज करने पड़ते हैं, वो भी रेलवे स्टेशन पर जाके DRM ऑफिस में। ये सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सारे मैं अजमेर पहुँच के बताऊँगा, ठीक है? तो मतलब ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा कि मतलब DRM ऑफिस में जाके पासेस अरेंज करना, जो कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। बट ये किसको मिलता है ये भी बताऊंगा, हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये सारी चीज़ें हम आपको अजमेर में बताएंगे। और ये आ गई हमारी गाड़ी जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में है। अरे वाह, WAP-4E का इंजन लगा हुआ है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस इतना समझ लो। ओह माय गॉड, भीड़ देख रहा हूँ, भीड़ तो है। ये है जनरल का डिब्बा, इधर क्राउड देखो, क्राउड भीड़ तो तगड़ी मिलेगी इस गाड़ी में, सीट भी मिल ही जाएगी, जहाँ तक कोशिश तो करेंगे। चलो सीट अरेंज करते हैं, ठीक है? ये देखो मिल जाएगी सीट, आराम से मिल जाएगी सीट। इधर क्राउड ज़्यादा है बट इधर कम है। सीट तो मिल गई, अब पहुंचते हैं 3 घंटे में अजमेर। इसका टाइम होगा 2:10, 11:35 पे चलने वाली है गाड़ी, 2:10 पे पहुंचाएगी अजमेर। अभी टाइम हो रहा है 11:40 और अभी हो रहा है गाड़ी का डिपार्चर भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से। चार्जर छोड़ रहे हैं, भीलवाड़ा छोड़ रहे हैं। एक प्रॉब्लम हो गई जिंदगी में, पहली बार चार्जर भूल गया, पावर बैंक रख लिया, चार्जर भूल गया, लीड भूल गया। 80% फोन की बैटरी है। मटका कुल्फी लो, लो जाओ जाओ। अरे ये जनरल का हाल है देख लो, ठीक है? जनरल की सीटें ऐसी होती है, बट एक चीज़ अच्छी है, सीट मिल जाती है, सीट आपको अरेंज करनी पड़ती है, सीट मिल जाएगी। जनरल में इतनी भीड़ नहीं रहती इस गाड़ी में, आपको आराम से सीट मिल जाएगी। जो लोग लेटे होते हैं तो उनको उठाओ। ये देखो फालतू में खड़े हो, खड़ा हूँ भाई। नहीं आप जाओ ना, बहुत सारे लोग लेटे हैं, उनको उठा सकते हो आप। जनरल में किसी का रिजर्वेशन नहीं चलता है, आप उठा के बैठ सकते हो। ये देखो बैठ सकते हो, ऐसे कहीं भी बैठो, जनरल है। भाई साहब अभी आ रहा है एक स्टॉप, एक स्टेशन अभी आ गया इसका पहला स्टॉप भीलवाड़ा के बाद में, रायला रोड रेलवे स्टेशन, जो कि आ चुका है। इसका भीलवाड़ा के बाद में पहला स्टॉप ये आता है, उसके बाद में आता है विजयनगर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, अजमेर, 4 स्टॉप रहते हैं इसके। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी रुक रही है, देखो। ओहो रायला। पहला स्टॉप भीलवाड़ा के बाद में, 2 मिनट का होल्ड है, उसके बाद यहाँ से चलने वाले हैं। लो 2 मिनट का होल्ड है, आ जाओ सब लोग जल्दी। आ जाओ लो आगे
खाली पड़ी हो, आगे निकल जाओ ना, उठाओ आगे आगे, खाली अंदर बैठो। सो टाइम हो रहा है 12:30, गाड़ी का टाइम था 12:15 और अभी पहुंच के विजयनगर। गाड़ी 15 मिनट लेट चल रही है विजयनगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, गाड़ी रुकी है। ये विजयनगर रेलवे स्टेशन इस साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रुकी है, 15 मिनट गाड़ी लेट होगी। वैसे तो इसका टाइम था 12:15 बट ये आई है 12:30। अब यहाँ से 2 मिनट में छूटने वाली है। पानी की बोतल उधर मिलेगी, है ही नहीं, आगे मिलेगी। समोसे 15 के 2। अभी आ रहे हैं नसीराबाद रेलवे स्टेशन, नसीराबाद जहाँ से हमारी गाड़ी कब होना स्टार्ट हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रही है हमारी गाड़ी। अभी हमारी गाड़ी कब हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 नसीराबाद रेलवे स्टेशन। इस साइड में पूरी गाड़ी कब हो जाएगी, इस साइड की पूरी गाड़ी कब हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 1:05 और अभी हम पहुंच गए नसीराबाद रेलवे स्टेशन। गाड़ी लेट हो गई है, गाड़ी का टाइम था 12:30 अप्रॉक्स, मतलब 12:40-41 ऐसे था, लेट हो गई है गाड़ी। कोई नहीं, अभी टाइम हो रहा है 1:05 और यहाँ से 30 मिनट लगेंगे अजमेर पहुंचने में, ठीक है। तो ऐसा करते कुछ खाने के लिए लेते हैं नसीराबाद का फेमस कचौरा, फिर निकलते हैं। ये रहा नसीराबाद का फेमस कचौरा, लो 20 का कचौरा दे दो। ये रहा कचौरा, नसीराबाद का फेमस कचौरा, इसको खाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है। ये रही हमारी गाड़ी की डिटेल। अभी हो रहा है इस गाड़ी का डिपार्चर 1:07 पर नसीराबाद रेलवे स्टेशन से। और ये रहा मैं, आई डोंट नो दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, कचौरी खाते हैं उसके बाद में फिर मिलते हैं। ये रही हमारी कचौरा। अजमेर अरावली के पहाड़, गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, गाड़ी 40-60 की स्पीड में चल रही है। अभी आधे घंटे में हम पहुंच रहे हैं अजमेर रेलवे स्टेशन, अजमेर जंक्शन, अजमेर डिवीज़न, अजमेर की साइड में गाड़ी पहुंच गई है। बस कुछ मिनट और अजमेर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी उतर रुकने वाली है और वहां हम उतरने वाले हैं। अजमेर का स्टेशन कोड है AII, बहुत बार आना जाना लगा रहता है, ऐसा सीन है। अब जाके मैं यहाँ पर विंडो मतलब गेट के पास आया हूँ, जब गाड़ी अजमेर पहुँच गई है तब। अभी टाइम हो रहा है 1:25 और ये गाड़ी को आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पे रोक दिया गया, जो कि अजमेर जंक्शन से 2-3 किलोमीटर पहले पड़ता है। अजमेर जंक्शन का टाइम है 1:35 और अभी 1:25 हो रहा है, इसलिए 10 मिनट पहले यहीं पर रोक दिया इसको गाड़ी को। अब देखो 10 मिनट में ये अजमेर लेन पहुँचाने में लगा देगी 2 किलोमीटर में, ऐसा सीन है। तो अजमेर जल्दी पहुँचते हैं और उसके बाद में आगे का प्रोसेस बताते हैं, इनॉग्रल बसेस कैसे मिलेंगे हमें न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस के।
गाड़ी इतनी तेज है, इसका नाम इंदौर जयपुर जोधपुर ऐसा कुछ दिखा, पूरा परफेक्ट नहीं दिखा। खैर इसको जाने दो, अब हम भी निकलते हैं। शायद ये वही इंदौर जोधपुर गाड़ी होगी जो कि मतलब अजमेर से छोटी है और सीधा आप भीलवाड़ा रुकेगी जाके, मतलब बीच में स्टॉपेज होते हुए। टाइम हो रहा है 1:50 और अभी हम पहुंच रहे हैं अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाड़ी लेट हो गई है कुल मिला के, अभी भी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंची है, स्टेशन पे तो पहुंच गई है, आप जाके प्लेटफॉर्म पे पहुंची है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 5, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे गाड़ी पहुंची है। इधर ही है स्टेशन प्लेटफॉर्म, ये आ गया नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 5। भाई लेट पहुँचाया इस गाड़ी ने। सामने हमारी खड़ी है जम्बूवती अजमेर जो कि अजमेर से छूटती है जम्बूवती वैष्णो माता तक जाने वाली गाड़ी, 2:10 पे छूटती है ये गाड़ी है, इसलिए इसका टाइम थोड़ा जल्दी किया था, लेकिन ये भी थोड़ी लेट ही पहुँचाई यार। फाइनली टाइम हो रहा है 1:52 और अभी हम पहुँच गए अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब बाकी का प्रोसेस बाद करते हैं, ठीक है, जल्दी करते हैं। मैं पहुँचता हूँ, फ़ोन ऑन लगाता हूँ, उसके बाद में हम पहुँचते हैं यहाँ पर DRM ऑफिस जहाँ हम आए हैं, अपना पानी पी लेते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं पासिस लेने के लिए। गाड़ी अजमेर तक जाती है, अजमेर से अब इसका फिर से इंजन चेंज होगा, फिर ये इधर निकल जाएगी जोधपुर के लिए। इधर से ही गाड़ी आई फिर इधर निकल जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगी जोधपुर के लिए। यहाँ पर गाड़ी खाली होती है, उसके बाद में फिर उतनी ही भर जाती जितनी पहले थी, उससे ज़्यादा भी भर जाती कभी कभार। देखो यहाँ पर ऐसा सीन होता है, जो लोग भाई भीलवाड़ा से आते हैं उनके लिए बेनिफिट रहता है कि अजमेर में उनको अच्छी सीट मिल जाती है मनपसंद वाली, ऐसा सीन रहता है। तो पानी पीते फिर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। टाइम हो रहा है 1:53। भाई एस्केलेटर तो चल ही नहीं रहा है यहाँ पर, देखो ये हाल हो रहा है, मतलब भीड़ ज़्यादा हो रही है, एस्केलेटर चल ही नहीं रही है। तो अभी मैं आ गया हूँ अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर इस साइड में, एक्चुअली मुझे जाना है DRM ऑफिस, तो वो DRM ऑफिस जो है वो बस स्टैंड के पीछे साइड में है, तो यहाँ से बस स्टैंड का जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर है, तो ऑटो पकड़ते हैं बस स्टैंड पहुँचते हैं, तो वहाँ पर हमारी बात बनेगी, तो वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद में सारा प्रोसेस हम टाइम टू टाइम आपको बताएंगे। अभी हमें मिल गया ई रिक्शा और इससे पहुँच रहे हैं बस स्टैंड। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको रिक्शा मिल जाएगा बस स्टैंड जाने के लिए, 2.5 किलोमीटर है, 10 रुपये में आपको बस स्टैंड पहुँचा दिया जाएगा। बस स्टैंड पहुँचते हैं फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये बन रहा है इसका फ्लाईओवर अजमेर में जो काफ़ी टाइम से बन रहा है। तो अभी मैंने ऑटो चेंज कर लिया, उस ऑटो वाले ने बोला 30 रुपये, मैंने कहा पागल हो गया क्या भाई, 10 रुपये लगते हैं, तो मैंने तुरंत ऑटो चेंज कर लिया, इस ऑटो से आ रहे हैं, 10 ही रुपये लगते हैं, वो फालतू में 30 रुपये बोल रहा था। मैं उतर गया, मैंने कहा रहने दे मुझे नहीं जाना। तो ये है अजमेर का बस स्टैंड, अजमेर डिपो, इधर से बस आती है जाती है, और उस साइड में 2 गेट है, एक इधर है एक उधर गेट है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये दुनिया आपको लूटने के लिए बैठी है, तो आपको होशियार बनना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आया, किराया बताया 30 रुपये, वो तो मुझे मालूम था, मैंने कहा भाई 10 रुपये लगते, बोल रहा नहीं, मैंने कहा रोक यहीं पर मैं उतरता हूँ, मैं उतर गया दूसरे ऑटो पे, तुरंत मिल गया 10 रुपये मुझे, अजमेर बस स्टैंड पहुंचा दिया। और जो मेरे साथ उस भाई लोग बैठे थे ना, वो पूछने लगे भाई कितने, मैंने कहा 10 रुपये, वो यार खुद पर हंसने लग गए, बोले यार ये सही है, तो नए लोगों को यहाँ पर लूट लेते हैं, ऐसा सीन है, हर जगह लूटते हैं, तो किराया पहले पूछो उसके बाद में किसी व्हीकल में बैठो, खासकर ऑटो रिक्शा वालों से बच के रहो, ठीक है। अभी हम पहुँच रहे हैं DRM ऑफिस, ये है इस साइड में बस स्टैंड और ये रास्ता गया सीधा DRM ऑफिस के लिए। ये है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मतलब यहाँ पे भर्ती होती है नए लोगों की, और ये रास्ता गया है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:10, जो काम था वो अभी नहीं बना, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि जो डेट है 31 मार्च वो अभी फाइनल नहीं है। एक्चुअली ऐसा सुनने में आया था, वो बोल रहे कि अभी फाइनल नहीं है, हमने जहाँ तक सुना है वो फाइनल है, वो बोल रहे हैं कि 4 अप्रैल के आसपास, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका इनॉग्रल रन होने वाला है जो कि अजमेर से दिल्ली के लिए होगा। अभी डेट फिक्स नहीं है, डेट कोई फिक्स नहीं की गई है। दूसरा यहाँ पर सिक्योरिटी का भी मामला है, कौन आएंगे, रेल मंत्री आएंगे या प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, अभी सिक्योरिटी का भी मामला होता है, इसलिए हमें पूरा अभी कन्फर्म नहीं पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते रहेंगे। अभी मैं आया था, अगली बार कोई और आएगा अजमेर वो पता करेगा, तो कम कोशिश करेंगे इसका इनॉग्रल रन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं अभी हम यहाँ से निकलते हैं और बाकी सारी डिटेल आपको बता देंगे। प्रोसेस क्या है, उन्होंने ये बोला कि प्रोसेस ये रहता है कि जब तक डेट फाइनल नहीं होती तब तक हमें प्रोसेस भी नहीं पता, क्योंकि राजस्थान में पहली बार आ रही है, इससे पहले राजस्थान में रन ही नहीं हो रही थी, तो पता कैसे होगा।